देशपाल के हथियारों को शरण देने का अतिन जफर पर आरोप लगा है। अतिन पर शाइस्ता और शूटर साबिर को शरण देने का आरोप लगा है। अतिन ने असद का सिम लगाकर फोन भी बरामद कराया है और 7 साल से कम सजा का मुकदमा होने के कारण अतिन को जमानत मिली है। पुलिस की पूछताछ में अतिन ने कई बातों को स्वीकारा है। 16 अप्रैल को शाइस्ता और साबिर अतिन के घर आए थे और 2 मई को दोबारा साबिर के अपने घर आने के बाद भी उसने अपनी बात को कबूला है और असद ने अपना फोन लखनऊ के फ्लैट में छोड़ दिया था, ये अतिन ने कहा। इस बीच गाजीपुर से बड़ी खबर है, माफिया मुख्तार की बढ़ सकती है मुश्किलें, गैंगस्टर केस में आज फैसला आ सकता है। एमपी एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। मुख्तार पर 120B के तहत गैंगस्टर एक्ट लगा है। मुख्तार पर 2009 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी के तहत आज फैसला आ सकता है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज मुख्तार अंसारी पर फैसला सुनाया जाना है। इससे पहले ये फैसला 27 अप्रैल को सुनाया जाना था, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में आज की तारीख सजा सुनाने के लिए मुकर्रर कर दी थी। इस पूरे मामले को लेकर मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने यह बताया है कि मुख्तार के ऊपर 307 के तहत 2009 में मोहम्मदाबाद कोतवाली में एक मामला दर्ज था। विवेचना के दौरान मुख्तार को इस मामले में सह अभियुक्त बनाते हुए 120B के तहत भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। उस समय उसके क्लाइंट मुख्तार अंसारी जेल में थे। वहीं कपिल देव सिंह हत्याकांड के सिलसिले में करंडा थाने के तहत भी एक हत्या का मामला दर्ज था। इन सभी मामलों को गैंग चार्ट में शामिल किया गया था। उसी के तहत आज सुनवाई के बाद फैसला आएगा। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी पर सुनवाई होगी और फिर उसके बाद फैसला आ सकता है। तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ सकती है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी पर आज गाजीपुर कोर्ट में फैसला आएगा। 2 मामलों में मुख्तार अंसारी पर सुनवाई और उसके बाद सजा का ऐलान हो सकता है। मुख्तार को आज फैसला सुना सकता है कोर्ट। दोनों मामलों को लेकर पुलिस ने गैंग चार्ट तैयार किया। मुख्तार अंसारी के सुर अब काफी बदल गए हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। वहीं अब मुख्तार अंसारी अपने नाम के आगे माफिया और डॉन जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति जता रहा है। इसके लिए बाकायदा उसने बाराबंकी कोर्ट में अर्जी दी है। चूंकि सरकार में माफिया पर लगातार हो रही कार्रवाई से अब उनकी कमर टूट चुकी है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद मुख्तार जैसे माफिया अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। जो मुख्तार खुद को कभी बाहुबली और माफिया कहने पर उतराता था, उसी मुख्तार को अब इन नामों से डर लगने लगा है। मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी की कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया है जिसमें उसने ये मांग की है कि उसके नाम के साथ बाहुबली माफिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए ताकि उसके जो सम्मान है उसको ठेस न पहुंचे। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में अर्जी देकर गुहार लगाई है कि उसके नाम के आगे गुर्गा माफिया बाहुबली और डॉन शब्द न जोड़ा जाए। मामले में 10 मई को सुनवाई होगी। जो मीडिया ट्रायल हो रहा है और उसमें अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जैसे डॉन महाबली माफिया, ये सारी चीजें जो अफवाहबाजी की हैं और आपके गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं, उसका उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार हेट स्पीच करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।